दृष्टि पीसीएस के पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मैकमोहन रेखा की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में अमेरिका ने एक बार फिर से मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। यह रेखा अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत के बीच सीमा रेखा के रूप में काम करती है। चलिए जानते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र एवं भारतीय क्षेत्रों के बीच एक सीमा रेखा है। यह रेखा 1914 के शिमला कन्वेंशन के दौरान बनाई गई थी। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन यानी ब्रिटिश भारत में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। आपको बता दें, इस रेखा की कुल लंबाई लगभग 890 किलोमीटर है। ये विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक की सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। ये पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी बर्मा यानी म्यांमार के साथ पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में उनके संबंधित क्षेत्रों को अलग भी करती है। यह सीमा रेखा शिमला सम्मेलन का परिणाम थी। चलिए तो फिर बात करते हैं शिमला सम्मेलन की। शिमला सम्मेलन 1913 से 1914 के बीच हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य तिब्बत की संप्रभुता के प्रश्न को सुलझाना और क्षेत्र में आगे के क्षेत्रीय विवादों से बचने का प्रयास करना था। यह समझौता आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच किया गया था। चीन तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र यानी TAR के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य पर अपना दावा करता है। चलिए अब आखिर में टॉपिक से रिलेटेड कुछ अन्य बातों पर नजर डाल लेते हैं। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सातवां और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं, जिनमें शामिल है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश आदि। भारत की कुछ अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, जिनमें शामिल है रेडक्लिफ रेखा। तो पहले रेडक्लिफ रेखा की बात करते हैं। ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है, जो उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। यह भारत पाकिस्तान सीमा के रूप में तथा पूर्वी भाग भारत बांग्लादेश सीमा के रूप में कार्य करती है। और अब बात डूरंड रेखा की। डूरंड रेखा को 1893 में हिंदू कुश क्षेत्र में स्थापित किया गया था। यह अफगानिस्तान और भारत के बीच है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी चीन। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।